माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा घोषित कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग एवं कला वर्ग में आर्य पब्लिक स्कूल के सभी विद्यालयों का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहा। कुल 254 छात्राओं में से 70 छात्राओं के अंक 90% से अधिक हासिल किए हैं। विज्ञान वर्ग में आर्य पब्लिक स्कूल स्वामी दयानंद मार्ग की छात्रा प्राची चौधरी ने 98% से अधिक, महक साहू ने 96%, परिशर्मा ने 92% अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। स्कूल समिति निदेशक कमला शर्मा ने बताया, विद्यालय समिति की अलवर शहर में 5 शाखाओं का परिणाम शत प्रतिशत रहा है। विद्यालय में अध्ययनरत 70 छात्राओं के अलग अलग संकायों में 90% से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। विद्यालय परिवार की ओर से सभी छात्राओं को टीका एवं पीत वस्त्र पहना कर सम्मानित किया गया। देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, 100% रहा सभी संख्याओं का रिजल्ट जो है, और सभी स्कूलों का। हमारे यहाँ आर्य कन्या विद्यालय समिति के अंतर्गत 5 विद्यालय से सेकेंडरी चल रहे हैं, उनमें से सभी विद्यालयों का रिजल्ट जो है 100% रहा है, और लगभग 70 बच्चे जो है 90% से ऊपर नंबर लाए हैं, और फर्स्ट तो सारे ही बच्चे आए हैं, और 90% से ऊपर भी जो बच्चे आए हैं उनमें जनरली बहुत अच्छे नंबर हैं, और 80% 85% तक जनरली से बच्चों के नंबर हैं। बहुत खुशी होती है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं बहुत ही साधारण परिवारों के हैं, वो अपनी मेहनत अपने माता के सहयोग से हम लोगों की गाइडेंस से मान लीजिए और उसके निर्देशन में काम करते हैं। ये खुशी की बात है कि बच्चे अपनी मेहनत से इतना कुछ कर रहे हैं। देखा गया है कि बच्चे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, पढ़ाई लिखाई से काफी दूर होते जा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की, उसके लिए हम बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है। बच्चों की देखिए तो टेंडेंसी होती है, जिधर समाज जा रहा होता है उधर चलते हैं, लेकिन ये कर्तव्य बड़ों का होता है, तो या तो स्कूल वालों का कर्तव्य है या माता पिता का कर्तव्य है, तो हम तो सबसे पहले अपना कर्तव्य मानते हैं। बच्चों पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि अपने जो मोबाइल्स हैं स्कूल में ना लेकर आए, कभी मोबाइल्स का अतिरिक्त प्रयोग ना करें, उनको समझाया भी जाता है। जब कभी किसी बच्चे को ऐसा ज्यादा देखा जाता है तो उसके माता पिता को बुलाया जाता है, उनको समझाया जाता है, तो निश्चित रूप से इस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी वरना, और बच्चों का जो जीवन जो है वो उसमें बहुत खराब होता है, तो बच्चों को सुधारने का काम ही माता पिता का या स्कूल वालों का होता है। हम पूरा ध्यान देते हैं इस चीज़।